दोस्तों डंकी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर मनोज देसाई कहते हैं, विक्रम राठौड़ लौटकर आ गया है, अब इंडस्ट्री का हर एक रिकॉर्ड धूल में मिलाया जाएगा। क्योंकि शाहरुख ने एक साल में जो सुनामी का मंजर दिखाया है और जो पूरी दुनिया से कमाया है, उसको देखकर ये साल हर किसी को याद रहेगा। और शाहरुख खान की डंकी मूवी ने 380 करोड़ कमाकर एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया है, जिसको कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। क्योंकि शाहरुख खान बॉलीवुड और इंडिया के पहले सुपरस्टार हैं जो कि एक साल में 2500 करोड़ कमाने का पावर रखते हैं, और यह रिकॉर्ड इतना बड़ा है जितना हिमालय पर्वत है। और दुनिया पूरी में ऐसा कोई भी अभी तक एक्टर नहीं बना जो कि शाहरुख खान के इस रिकॉर्ड को तोड़ पाए। पठान से 1000 करोड़, जवान से 1200 करोड़, और अब डंकी से 1000 करोड़ कमाने की पूरी तैयारी हो गई है। शाहरुख खान के इस रिकॉर्ड को दुनिया याद रखेगी। और अभी तो रुको, अब तो एक और बवाल आने के लिए तैयार हो रहा है जिसका नाम धूम 4 है। अगर सिद्धांत आनंद फाइटर मूवी के बाद धूम 4 की शूटिंग शुरू करते हैं शाहरुख खान के साथ, तो जो सुनामी का बवंडर और जो तूफान बॉक्स ऑफिस पर आएगा उसके साथ पूरी दुनिया ढिल जाएगी। और इतना बड़ा बॉलीवुड इंडस्ट्री का रिकॉर्ड शाहरुख खान बनाएंगे जो कि आज तक किसी भी बॉलीवुड एक्टर ने बनाने के बारे में सोचा तक नहीं होगा। शाहरुख खान हमेशा अपने रिकॉर्ड आप तोड़ते हैं, और धूम 4 से 2023 के सारे रिकॉर्ड शाहरुख खान तोड़ने का पावर रखते हैं। अगर ऐसा हो गया तो कितनी बड़ी कलेक्शन आ सकती है कमेंट में लाजमी लिखना। और हाँ, आप वीडियो पूरी देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, अगर शाहरुख खान के सच्चे फ्रेंड हो तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, ताकि आपको शाहरुख खान की मूवीज की अपडेट मिलती रहे। जैसे डंकी ने धमाल किया है वैसे धूम 4 भी धमाल करेगी, ऐसी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। दोस्तों डंकी मूवी ने हर किसी को इमोशनल भी कर दिया है, और वहीं इस मूवी को राज्यसभा में भी दिखाया गया और श्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मूवी को काफी पसंद किया है। और अगर हम कमाई के बारे में बात करें तो ये मूवी पूरी इंडिया से 300 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है, और अब इस मूवी की कमाई में और ही ज्यादा इजाफा आ गया है और लोग डंकी को भी बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दोस्तों शाहरुख खान इंडिया के नंबर 1 एक्टर है। दोस्तों डंकी मूवी में जो कुछ सामाजिक संदेश दिया गया है उसको राज्यसभा में भी पसंद किया गया है। डंकी एक असली और दिल को छूने वाली कहानी है जो कि हर इंडियन को देखनी चाहिए, क्योंकि हर साल काफी ऐसे इंडियन जो कि विदेश गलत रास्ते से जाने की कोशिश करते हैं और फिर या तो वो मारे जाते हैं या फिर उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है जो कि दिल को दहला देता है, और ये सब कुछ डंकी में अच्छे से दिखाया गया है। अगर कोई भी इंसान इतनी बड़ी गलती करने का सोच रहा है तो उसको एक बार डंकी मूवी लाजमी देखने चाहिए, जिससे कि उनको पता लगे कि डंकी रास्ता क्या है। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारे चैनल FFU को सपोर्ट करो, और हम आपके लिए ऐसे ही डंकी की सारी अपडेट लाते रहें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना, और हमें सपोर्ट भी करना। धन्यवाद।